kisses straight to my heart. I'd never noticed, but you were never there, you were never there. Hey, you gave me roses, set me apart. Hey guys, welcome back to the channel. कैसे हैं आप लोग? अपन इस समय है गुड़गांव में, तो आपका स्वागत है गुड़गांव से ही। अभी सो के उठे हैं जस्ट कुछ समय पहले। गर्मी काफ़ी तगड़ी हो रही है इस समय यहाँ पे। लखनऊ में इतनी गर्मी नहीं है जितनी यहाँ पे है, पर लेकिन माहौल काफ़ी सही है। अपन जहाँ रहते हैं इधर थोड़ा सा पेड़ वेड़ है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। तो अभी सुबह उठे, सीन ऐसा है कि अभी चल रहे हैं कुछ दूध वूध लेने, कुछ अपने को नाश्ता वगैरह बनाना है, कुछ खाए पियेंगे, तो चाय वाय के लिए दूध ले लेते हैं एक बार चल के, और फिर आपसे मिलते रहेंगे, फिर बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं कैसे क्या है। एक बार चलते हैं फटाफट से दूध ले लेते हैं। बस अभी फिलहाल तो रेड वाले ही देते हैं। फाइनली जो है सामान वगैरह सब ले लिया है और अभी निकल रहे हैं वापस रूम पे। तो दूध वगैरह कंपलसरी था कुछ चाय वगैरह के लिए। वैसे ऑप्शंस तो और भी थे कि ब्लिंकिट वगैरह से मंगा लिया जाए या ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया जाए, लेकिन उसमें समय भी काफ़ी लगता है और फिर डिलीवरी चार्जेस वगैरह रहते हैं। तो इस वजह से फिर अपने ने बगल में प्लाजा है वहाँ से पकड़ लिया दूध। गाइस फाइनली दूध वगैरह सब ले लिया है और आ गए हैं रूम पे। अभी चाय वाय बनाते हैं और आज बनाएंगे घर पे ही बर्गर, वही नाश्ते में खाया जाएगा, उसी की प्रिपरेशंस करते हैं और खा पी के मिलते हैं आपसे, क्योंकि सुबह नाश्ते का काफ़ी समय भी हो गया है। तो एक बार नाश्ता करते हैं उसके बाद मिलते हैं। But you don't wanna see me cry. There is no way that it's never going there. I think it better and I swear I'll follow you no matter where. Guys, finally अपना नाश्ता रेडी हो गया है, बर्गर बना लिए मैंने, ये रही चाय अपनी और बाकी मेहनत तो आपने देखी। तो बस अब करते हैं नाश्ता, काफ़ी मेहनत से बनाया है जो कि, और नाश्ता करके फिर मिलते हैं आपसे। आप लोग भी तब तक अपने अपने काम करो और वीडियो देखते रहो, एंजॉय करो, खा पी के मिलता हूँ। गाइस चाय वाय सब हो चुकी है डन और खा पी के एकदम बैठे हुए हैं अभी। काफ़ी मेहनत का काम है, जो लोग बाहर रहते होंगे ज़रूर जानते होंगे कि खाना बनाना कितना टफ है, पर अपन तो ग्रेट शेफ हैं तो अपने लिए बना लेते हैं कभी कभी। खैर अभी फ़िलहाल अपना काम चल रहा है यहाँ पे, ऑफिस का कुछ पेंडिंग वर्क है जो कि करना ही करना है, तो बस अभी लैपटॉप वगैरह लेके बैठ गए, इसको ख़त्म करना है आज ही। बाकी करते हैं ख़त्म इसको काम को, उसके बाद देखते हैं क्या सीन है बाहर का, बाहर चलते हैं कि नहीं। अभी बात हुई थी कुछ फ्रेंड्स वगैरह से, शायद शाम में मिले वो लोग, तो शायद कहीं हम लोग बाहर जाएं, घूमें फिरें कहीं। आपको अपडेट करता रहूँगा और मिलेंगे अगर बाहर गए कहीं तो। बाकी फ़िलहाल प्रायोरिटी पे अपना काम निपटाते हैं, नहीं तो खूब गाली खाने को मिलेगी जो कि अच्छी बात नहीं है। और बाकी बस यही है सीन, करते हैं काम एंड और बाहर जैसे जैसे जाने का होगा आपको बताते रहेंगे। तब तक आप लोग एक प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब कर लो अभी तक अगर नहीं किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि फैमिली थोड़ी सी बड़ी हो जाए और हम लोग मज़े करें। बाकी यही सीन है, काम निपटाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। Hey guys, अभी जो है शाम हो चुकी है और अपना जो भी
ऑफिस का काम वगैरह था वो सब हो गया, डन हो गया, तो अभी निकल आए बाहर, चलते हैं। कुछ काम है अपने को मोबाइल से रिलेटेड, कुछ आईफोन में दिक्कत आ रही है और कुछ स्टोरेज वगैरह का भी पता करना है, सोच रहा हूँ अपग्रेड करने के लिए, तो अभी निकल आया हूँ बाहर सब काम वाम करके। तो अभी चलते हैं, पास में एक मार्केट है गैलेरिया मार्केट करके, काफ़ी सही शॉप्स वगैरह हैं, तो अभी उधर ही चल रहे हैं अपन। तो बस निकल आए, एक बार ऑटो बुलाते हैं और फिर चलते हैं वहाँ पे। गाइस अभी कैब जो है बुला ली है, तब तक एक मैंगो शेक हो जाए, गर्मी काफ़ी हो रही है, पसीना आप देख रहे हो, तब तक थोड़ा सा शेक वगैरह पी के गर्मी डाउन करी जाए। कैब आ ही रही होगी, 5 मिनट बोल रहा था ड्राइवर, आ जाए फिर चलते हैं। गाइस फाइनली जो है गैलेरिया मार्केट पहुंच चुके हैं, मेरे पीछे आप देख रहे हो यही मार्केट है। अभी बस चलते हैं अंदर, घूमते फिरते हैं, काम वगैरह देखते हैं क्या है। बाकी सीन कुछ ऐसा था कि कैब बुक करी थी लेकिन कुछ ज़्यादा ही डिमांड थी इस समय कैब्स की, तो फाइनली जो है बाइक आई, फिर बाइक से ही आना पड़ा और कोई ऑप्शन नहीं था अपने पास। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कैसे क्या है गैलेरिया मार्केट में। काफ़ी ज़्यादा फेमस प्लेस है यहाँ की, फेमस मार्केट है गुड़गांव की, और ये सेक्टर 28 में पड़ती है, अगर कोई आना चाहे तो आ सकता है, काफ़ी ज़्यादा ही फेमस है यहाँ के हिसाब से। तो चलिए चलते हैं, आपको एक टूर देता हूँ। सो गाइस दिस इज़ द मेन एंट्री, यहाँ से एंट्री करते हैं, ये पार्किंग है, इधर कैब्स वगैरह छोड़ देती हैं, गाड़ी वगैरह पार्क कर लो। बाकी ये रास्ता जो जाता है ये भी एंट्री का ही है, और ये रास्ते इधर से भी आप आ सकते हो। बाकी ये मेन एंट्री है, इधर से आप अंदर जाओगे, मार्केट वगैरह घूमोगे। तो बस चलिए चलते हैं और अंदर घूमते हैं। एक बार आपको मैं लेफ़्ट व्यू देता हूँ, इस तरफ खाने पीने की दुकानें हैं काफ़ी सारी, चायोज वगैरह और काफ़ी ब्रांड्स हैं। आपको एक मैं ओवरव्यू देता हूँ, आप चेकआउट करो। इधर लोग अपना चिल आउट कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, इधर से खा पीने का सामान लेके इधर अपना चिल आउट करता है आदमी। काफ़ी सही सही ब्रांड्स यहाँ पे हैं, ऐसी कोई भी ब्रांड नहीं है जो आपको मिले ना, वो भी यहाँ पे चेकआउट करो। काफ़ी सही सही इलेक्ट्रॉनिक्स की भी मार्केट है यहाँ पे, शाओमी वगैरह की, सैमसंग वगैरह के शोरूम्स वगैरह हैं यहाँ पे, कंप्यूटर एसेसरीज़ वगैरह भी हैं। बाकी एक एंट्री उस तरफ से दिखाई थी, एक एंट्री इधर से मैं आया हूँ, ये दूसरी एंट्री है यहाँ पर। बाकी ये लोकल मार्केट है, आपको यहाँ पर सारी डेली यूज़ की चीज़ें जो भी हैं वो मिल जाएंगी। बाकी एक फ्लोर और है इसका ऊपर साइड, वो इसका फर्स्ट फ्लोर है। अभी थोड़ी देर में उधर भी चलते हैं, घूम के आते हैं। और ये कुछ फाउंटेन वगैरह है जिससे काफ़ी सही रहता है माहौल शाम के समय। और इधर बेंचेस वगैरह बनी हुई हैं, लोग अपना बैठ के इंजॉय करते हैं, चिल टाइम स्पेंड करते हैं। बाकी ऐसी मार्केट है, ये शॉप्स हर तरह की हैं, बेकरी वगैरह की भी हैं। ये एप्पल स्टूडियो है, अभी ये चेकआउट करेंगे अपन, देखते हैं कहाँ पे कैसे क्या है। तो अभी चलते हैं, एक राउंड लेते हैं और आपको भी दिखाता हूँ।
गाइस आप ये चेकआउट करो, यहाँ पे खाने पीने का भी काफ़ी सही इंतज़ाम है, काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स भी हैं और लोकल वेंडर्स भी हैं जो यहाँ पे खाना पीना देते हैं। नॉनवेज की वैरायटी काफ़ी सही है और साथ ही साथ पंजाबी फूड की भी, और इधर ये कैफे वगैरह भी है यहाँ पे, और जो है खाने पीने की आपको कोई ऐसी इशू यहाँ पे होने वाला नहीं है। अगर आप लोग कुछ शॉपिंग वगैरह करने आओ, भूख लगे तो आप आराम से इंजॉय कर सकते हो, इधर काफ़ी सही फूड वगैरह का इंतज़ाम है। बाकी गाइस आप ये चेक करो, सिगरेट वगैरह की शॉप्स भी यहाँ पे हैं काफ़ी सही सही, और खाने पीने की आपको दिखाई दी, बाकी गुड़गांव वालों की पसंद लिकर शॉप भी यहाँ पे है काफ़ी सही, और काफ़ी सही रेट्स रहते हैं यहाँ पे। बाकी दवाई वगैरह की शॉप्स भी हैं यहाँ पे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बाकी एक बार चलते हैं, अब मैपेल वाला काम करा लेते हैं, आई स्टोर चलते हैं कुछ देखते हैं कैसे क्या है, और फिर मिलता हूँ मैं आपसे। एप्पल स्टोर होके आए हैं, बाकी अपना जो इशू था वो ये था कि अपने को अपग्रेड करना है अपना फ़ोन, 14 में है उससे ऊपर, अभी मैं 13 चला रहा हूँ, तो उनका ये कहना है कि कोई लोकल आईडी होनी चाहिए तब आप फाइनेंस करा पाओगे, तो बेसिकली कराना फाइनेंस ही था क्योंकि कैश लेना तो मुश्किल है। सो अभी तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, उनका कहना है थोड़ा टाइम लगेगा, तो देखते हैं जब तक लोकल आईडी का कुछ इंतज़ाम हो जाता है फिर आएँगे दोबारा। बाकी अभी मैं ऊपर आ चुका हूँ, इसी मार्केट में आप चेकआउट करो, ऊपर भी काफ़ी सही सही शॉप्स हैं, हुक्का वगैरह की भी हैं, काफ़ी शॉकिंग बंदे हैं यहाँ तो। बाकी ऊपर का फ्लोर भी ऐसा ही है, कुछ खाने पीने के लिए और दवाई के स्टोर्स वगैरह हैं। बाकी आप देखो क्या क्या चीज़ें यहाँ करी जा सकती हैं, आप कभी आओ तो आपको कुछ ऐसी दिक्कत ना हो, सब आपको पता होना चाहिए। अपना मोटिव यही रहता है जो आपको दिखाया जाए एकदम कंप्लीट। बाकी आप व्यू चेक करो, आपको सिनेमैटिक्स दिखाता हूँ। मार्केट घूम लिया है, जो काम भी था छोटा मोटा वो भी अपन ने डन कर लिया है, सो नाउ इट्स टाइम टू लीव। अभी अपन चल रहे हैं यहाँ से और अपने घर के पास एक छोटी सी मार्केट है, वहाँ कुछ खाए पिएंगे। इन ऑल काफ़ी सही मार्केट थी, मुझे काफ़ी मज़ा आया, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है नो डाउट, एक्सपेंसिव मार्केट है, सारे ब्रांड्स एक ही जगह पर हैं और ऊपर से गुड़गांव वालों को थोड़ी महंगी चीज़ें ज़्यादा पसंद है, तो उसके हिसाब से परफेक्ट मार्केट है।
सेक्टर 28 में, गैलेरिया नाम है इसका, सब जानते ही होंगे, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे तो आके। बाकी अभी चलते हैं अपनी थोड़ी सी सस्ती मार्केट, वहाँ कुछ खाए पियेंगे और फिर मिलता हूँ आपसे। It's never going there. I think it better and I swear I'll follow you no matter where. तो गाइस फाइनली अपन आ चुके हैं व्यापार केंद्र, आप ये चेक करो, ये है व्यापार केंद्र मार्केट सेक्टर 43 में, मतलब अपने घर के थोड़ा सा पास है। तो अपन गैलेरिया से अभी यहीं आ गए हैं, इधर खाने पीने की शॉप्स हैं, सही मिलता है खाना पीना काफ़ी। तो अभी चलते हैं मोमोज़ वगैरह ट्राई करते हैं, मोमोज़ काफ़ी फेमस हैं इधर के। तो बस अब खाते पीते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। गाइज अभी ये जो है कोल्ड कॉफ़ी बनवा ले रहे हैं, गर्मी भी काफ़ी है, उसके बाद कुछ खाते पीते हैं, कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला काम कोल्ड कॉफ़ी करते हैं। गाइस अपनी कॉफ़ी आ चुकी है, देखने में काफ़ी सही लग रही है, पीते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, मोमोज़ वगैरह खाएंगे। गाइस फाइनली अपनी सबसे फेमस मोमो शॉप पे आ चुके हैं और ये व्यापार केंद्र की सबसे फेमस शॉप है, फटाफट से तंदूरी लगवाते हैं और खा के आपको बताता हूँ। गाइस मोमोज़ आ चुके हैं और आप ये देखो इनकी चटनी कितनी वेराइटी की है, 1 2 3 4 5 पूरे 5 वेराइटी की चटनी मिली है, खा के बताता हूँ आपको। गाइस अभी तंदूरी खाए हैं और अभी ग्रेवी में अफगानी ऑर्डर कर रहे हैं, काफ़ी सही है लगे मुझे तो एक बार वो भी ऑर्डर करते हैं, वो खाते हैं फिर मिलता हूँ आपसे। गाइस फाइनली जो है अभी घर पहुँच चुके हैं और अब आराम करेंगे, जस्ट अभी नहा के आया हूँ, मैंने कहा व्लॉग को एंड कर देते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा व्लॉग हो चुका है, काफ़ी थक भी गए हैं आज, काफ़ी काम निपटाए हैं, घूम फिर के भी आए हैं। और आज कुछ खाने में राजमा बन रहा है, बना रहा हूँ, सॉरी, कुछ मसाला वगैरह तैयार हो चुका है, तो आज कुछ अच्छा खाएँगे बढ़िया एकदम, उसके बाद रेस्ट करेंगे। आपको बताइए, खुद ही बना रहे हैं, खुद ही खा रहे हैं, तो थोड़ा सा हार्ड लाइफ चल रही है, पर कोई नहीं गाइज, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करके बताओ नेक्स्ट ट्रिप कहाँ की चाहिए आपको, तो अपन उसी पे काम करेंगे, फिर कहीं घूमने चलते हैं। तो करते हैं ब्लॉग को एंड और फिर मिलेंगे आपसे नए ब्लॉग में, तब तक यू गाइज स्टे सेफ, स्टे हैप्पी और मिलते हैं जल्दी।